बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप एक मोर रियलिस्टिक इंटीरियर रेंडर आउटपुट निकालना चाहते हैं वीरे 64 स्केचअप को इस्तेमाल करके, तो एक ऐसी सेटिंग है जिसको इस्तेमाल करके आप टाइम सेविंग के साथ एक फास्ट और मोर रियलिस्टिक रेंडर आउटपुट निकाल सकते हैं। आप सेटिंग को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप जो इनिशियल सेटिंग रखे, यानी कि जिस वक्त आप अपने सीन को क्रिएट कर रहे हो और उसके अंदर कोई एलिमेंट लाइक असिस लाइब्रेरी वगैरह को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त आप क्या करें, फर्स्ट हम डिनोइज़र को ऑफ रखें और ये जो हमारा क्वालिटी है हम क्वालिटी को 0.2 पे रखें। फिर रेंडर आउटपुट के अंदर जो फ्रेम की साइज़ है उसको हम अपने एतबार से सेट कर लें और यहाँ पर GI के अंदर हम अपर ब्रूट फोर्स और नीचे लाइट कैश को रखें, उसके बाद रेंडर करें। क्योंकि इस सेटिंग के अंदर हमारा रेंडर आउटपुट बहुत ही फास्ट हमें नज़र आएगा, लेकिन वो थोड़ा नॉइसी होगा, उसके अंदर हमें नॉइस नज़र आएंगी रेंडर आउटपुट कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि हमने वीरे डिनोइज़र को क्या किया हुआ, ऑफ रखा हुआ है। लेकिन हमें अगर हमें एलिमेंट वगैरह चेक करना है या जो मटेरियल हमने अप्लाई किया हुआ है वो प्रॉपर नज़र आ रहा है या नहीं, उसको अगर चेक करना है तो उसके लिए हम इसी बेसिक सेटिंग को इस्तेमाल करें और यूज़ करें ताकि हमें बहुत ही फास्ट उसका रेंडर आउटपुट नज़र आए। जो इनिशियल सेटिंग हमने अप्लाई की और उस सेटिंग के साथ जो रेंडर आउटपुट हमें आया है वो इस तरीके से है, लेकिन इसमें हमें कुछ नॉइस नज़र आ रही है क्योंकि हमने फ़िलहाल क्या किया, वीरे डिनोइज़र को ऑफ रखा हुआ है। तो इनिशियल सेटिंग यानी कि आपको सिर्फ बेसिक व्यू चेक करना है, हमने जो एलिमेंट इसी तरह जो टेक्सचर अप्लाई किया हुआ है वो प्रॉपर नज़र आ रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम इनिशियल सेटिंग को इस्तेमाल करें। लेकिन किसी भी रेंडर को आप निकाल रहे हो तो निकालने के लिए सिर्फ सेटिंग से हमारा रेंडर आउटपुट अच्छा नज़र नहीं आएगा, हमें उसके अंदर प्रॉपर लाइटिंग प्रॉपर मटेरियल वगैरह अप्लाई करना होगा, उसके बाद हम इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग को इस्तेमाल करके हमारा रेंडर आउटपुट निकाल सकते हैं। हमें फाइनल रेंडर आउटपुट निकालना है, अगर आपका CPU अच्छा है तो आप CPU पे रखें, या फिर अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड अच्छा है या आपके पास RTX का ग्राफिक्स कार्ड है तो आप उसको RTX को ओपन करें। हम CPU प्लस GPU के साथ रेंडर आउटपुट निकालते हैं फाइनल वाला। फाइनल रेंडर आउटपुट के लिए आप वीरे डिनोइज़र को ऑन करें और उसके बाद रेंडर आउटपुट के अंदर जो हमारा सेफ फ्रेम है हम उसको ऑन रखें और उसके बाद जो भी इमेज की साइज़ आप अपने एतबार से उसमें एडजस्ट करें। कैमरे के अंदर हम एक्सपोजर को ऑटो मोड पर रखें ताकि सीन के अंदर जो वाइटनेस और ब्राइटनेस है वो उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल करें और हम रेंडर क्वालिटी को यहाँ से इंक्रीज़ कर दें, हम हाई प्लस पे रखेंगे रेंडर क्वालिटी। फ़िल्टर टाइप को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करें, हम उसको डिफ़ॉल्ट ही पर रखने वाले हैं फ़िलहाल। आप यहाँ पर एडवांस कैमरा पैरामीटर के अंदर नंबर और इसी तरह शटर स्पीड और ISO को आप अपने अकॉर्डिंग सेट करें, या फिर हमने फ़िलहाल जैसे ISO को
75 पे रखा हुआ है, एफ नंबर हमारा 8 है, और यहाँ पर देखिए हमारा शटर स्पीड 300 है। आप इसको भी इस्तेमाल करके आपका रेंडर आउटपुट निकाल सकते हैं। और डिनोइजर के अंदर आप जब फाइनल रेंडर आउटपुट निकाल रहे हैं तो वो माइल्ड पे रखें और उसके बाद आप रेंडर करें। हमने जो फाइनल रेंडर सेटिंग अप्लाई की हुई है उस सेटिंग के एतबार से हमारा रेंडर आउटपुट कुछ इस तरीके से आया है। देखिए इसके अंदर हमें नॉइज़ भी नज़र नहीं आ रही है। तो फाइनल रेंडर सेटिंग के अंदर सबसे पहले तो आप क्वालिटी को हाई प्लस पे रखें, या और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं आप क्वालिटी को, तो हम यहाँ से ये नॉइस लिमिट को इंक्रीज़ करें। आप नॉइस लिमिट को जितना इंक्रीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होंगी। और डिनोइज़र को ऑन करें। इसी तरह कैमरा के अंदर हमारा एक्सपोजर ऑन हो, और इसमें हमारा जो सेफ फ्रेम है रेंडर आउटपुट के अंदर हम उसको हमेशा ऑन रखें, ताकि हमारा जो सीन अपने इमेज की जो साइज़ है उसके एतबार से सेट हो। और हम इसके अंदर एडवांस कैमरा पैरामीटर के अंदर यहाँ से या तो उसको डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग रहती है हमारे उस पे उसको रहने दें, या फिर अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करें। और डिनोइज़र के अंदर फाइनल रेंडर आउटपुट के अंदर हम प्रीसेट को माइल्ड पे रखें। तो ज़्यादा सेटिंग हमें चेंज नहीं करनी है, बस कुछ सेटिंग है जिसको चेंज करके हम अपने एतबार से रेंडर आउटपुट को अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम सीपीयू पे रखते हैं इसको, उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी रे के अंदर हम यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करें, या फिर सेकंड वाले ऑप्शन पर ही रहने दें। और सेकेंडरी ऑप्शन के अंदर हम ज़्यादातर लाइट कैश ही पर रखते हैं। यहाँ पर जो ये सब डिवाइड्स है हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना हम उसको रखना चाहें उतना रख सकते हैं। यहाँ से उसके रेंज दी हुई मिनिमम से मैक्सिमम रेंज उसके यहाँ पर शो करता है। और जब आप सीपीयू पे रेंडर आउटपुट निकालें तो ऑप्शन को हमेशा ये ऑफ होता है, हम उसको ऑन करें।